हेलो, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ लेग वैक्सिंग, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। मैं कर रही हूँ लेग वैक्सिंग। यहाँ पे काम तो बहुत था, लेकिन मैं सारी चीज़ का वीडियो नहीं बना सकती थी, इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लेग का वैक्स का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इतना घना बाल है, इधर आ जाओ। पेन हो रहा है? ये वैक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने इसको सिलाई करी थी, एकदम पूरा एक बार में क्लीन हो रहा है। गर्म लग रहा है? बंद कर दिया। मुझे लगता है ना, जब वो पतला हो जाता है ना, तो समझ में आता है नहीं गर्म हो गया है। नेहा को जब कुछ काम बोलते हैं तब वो छुट्टी कर लेती है, कभी माहिम जाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। मेन क्या, उसका कोर्स हो गया है कंप्लीट, तो उसको आना नहीं। फिर वो अपना पार्लर खोलेगी या कहीं जॉब करेगी? नहीं, पार्लर इतना इजी नहीं है अपना खोलना। अपना पार्लर खोलने के लिए कम से कम 5 लाख 8 लाख रखोगे तब तो खोलोगे। सही बात है। मेन क्लाइंट्स भी आना चाहिए ना, तो भी क्लाइंट आए आए इतना बजट होना चाहिए ना, कम से कम 5 लाख रहेगा तो आपका पार्लर खुलेगा, वो भी एकदम नॉर्मल एरिया है। हाँ, जॉब कर सकती है। अभी उसका कुछ नहीं, अभी क्या छोटी बच्ची है ना, तो अभी वो जॉब भी नहीं कर पाएगी, छोटी सी बच्ची है उसके पास। अच्छा। बाकी लोग तो सीख के वही जॉब पे ही भागते हैं ना, जिसका बजट है वो अपना खुद का डाल दिया। छींचा की है। रात में 2 बजे 2:30 बजे पढ़ते पढ़ते इसको भूख लग गया। रात में 2 बजे उठ के मैं सोच रही हूँ कहाँ गई, लाइट चालू करके आवाज दे रही हूँ श्रेया, कह रही हाँ आपके किचन में क्या कर रही हो, कह रही मम्मा भूख लग गई थी तो आम खा रही थी फ्रिज से निकाल के 2:30 बजे। अब वो ठंडा ठंडा आम देखो कितना गंदा। हाँ, सर्दी हो गया, वो छी छी करके रखी है। कोई आया है ना? इधर से एक बार ले लेती हूँ, पीछे चिकन चिकन Thank you.
क्या नाम है बच्चा? और बेटा ये तो आते ही कटा लेना, मालूम है मालूम है। नाम क्या है बच्चू? ओ क्यूटी, आज 8:30 बजे तक कर ही देती हूँ क्योंकि जाके फिर खाना बनाना होता है। नीचे मुंडे नीचे मुंडे नीचे, हाँ शांत है। कोई कोई बच्चे इतने रोते हैं, इतने रोते हैं। ये भी सैलून में रोती है? हाँ पार्लर में नहीं रोती है। सुरक्षा सैलून में सीधा खतना करेंगे। एक और बच्ची आई थी मुझे ना, वो आंटी के पास लेके चलो, वो अच्छा काटती है, पापा बाल कटाते हैं, अच्छा नहीं कटवाते हैं। उसके पापा ले जाके कहीं सैलून में बैठा देते थे, ब्लेड लॉस रहे, ब्लेड अच्छा। पहले मुझे ये ब्लेड भी लगाने नहीं आता था, कैसे लगाना है कंफ्यूज रहती थी। कभी भी डर तो लगता होगा ना? डर क्यों लगेगा? नहीं लगता? नहीं लगता, पहले लगता था। लगाने नहीं आता था, डरना क्या है इसमें, कहा लग उग जाएगा गलती से। ये देखिए लग गया। मेन क्या है, इसको एकदम एक बराबर होना चाहिए, बस ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, फटने का डर रहता है। इससे क्या पूरा क्लीन हो जाता है। ऐसे रखो ऐसे रखो। थोड़ा पकड़ लो ना ऐसे बच्ची को, ऐसे बस ये होना चाहिए।
सो फाइनली बेबी कट भी कंप्लीट हो गया और बेबी कट करने में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बच्ची ना थोड़ा सा भी रोई नहीं, एकदम अच्छे से मैं जैसा बोल रही थी वैसे करके हेयर कट करवा ली। तो बस ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए लोग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कटिंग कैसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लोग, और लेग वैक्सीन। बाय बाय। बांधा है।